हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस इन्फॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म जहां हम आप सभी तक भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी की तरफ से आए हुए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जो भी रिक्रूटमेंट निकल कर आता है उसका इन्फॉर्मेशन हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते रहते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे परमानेंट पोस्ट पर आए हुए एक रिक्रूटमेंट के ऊपर, जिसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों के लिए रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट में रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं, एप्लीकेशन फ़ीस और साथ ही साथ फॉर्म को अप्लाई करने का जो क्वालिफिकेशन है और लास्ट डेट के ऊपर हम वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। यहाँ हम बात करेंगे डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी जो कि असम में इस्टेब्लिश्ड है। यहाँ 22 जुलाई 2024 को इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था, जिसमें इन्होंने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए इनविटेशन आप लोगों को दिया हुआ है। जिन डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं उसमें अगर आप प्रोफेसर के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रोफेसर के पोस्ट पर कॉमर्स में एक सीट पर रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। साथ ही साथ एसएमईज़ में यहाँ पर दो पोस्ट है, एंथ्रोपोलॉजी में एक पोस्ट है, सोशियोलॉजी में एक पोस्ट है, फार्मास्यूटिकल साइंस में एक पोस्ट है, पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी में एक पोस्ट है, अप्लाइड जियोलॉजी में यहाँ पर दो पोस्ट है, साथ ही साथ लाइफ साइंस में एक पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। वहीं अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं एसोसिएट प्रोफेसर के पोस्ट पर तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स के लिए एक पोस्ट है, अप्लाइड जियोलॉजी में एक पोस्ट है, स्टैटिक्स में एक पोस्ट है, एंथ्रोपोलॉजी में एक पोस्ट है, हिस्ट्री के लिए यहाँ पर दो सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं, लाइफ साइंस में एक पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। कुल टोटल यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर के पोस्ट पर 7 सीटें रखी गई हैं। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर एसएमईज़ सब्जेक्ट में एक पोस्ट पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। वहीं पॉलिटिकल साइंस के लिए एक पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है, पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी में एक पोस्ट है, अप्लाइड जियोलॉजी में यहाँ पर दो पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं, फिजिक्स में दो सीटें हैं, स्टैटिक्स में एक सीटें हैं और मैथमेटिक्स में यहाँ पर एक पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। कुल टोटल असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर यहाँ पर 9 सीटें रखी गई हैं जिसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं इस पोस्ट पर जो सैलरी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी उसमें प्रोफेसर के पोस्ट पर कर सकते हैं। यहाँ पर इस पोस्ट के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगे जा रहे हैं उसके लिए आपको यूजीसी का नॉर्म्स एंड कंडीशन को चेक करना होगा यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। और जो बेसिक क्वालिफिकेशन यहाँ पर है, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट में मास्टर्स 55% मार्क्स के साथ पास आउट होना ज़रूरी है। साथ ही साथ यूजीसी या सीएसआईआर नेट आप लोगों ने पास आउट किया हुआ हो या आप लोगों ने स्लेट या सेट क्वालिफाई किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं, या फिर आपके पास पीएचडी है। मास्टर्स के साथ अगर आपके पास इनमें से कोई एक भी क्वालिफिकेशन है तो आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए सेम क्वालिफिकेशन के साथ ही साथ 8 साल का एक्सपीरियंस और प्रोफेसर के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है तो ही आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर जो सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी आपको इस पोस्ट पर वर्क करने के लिए, उसमें प्रोफेसर के लिए 1,44,200 रुपये से एंट्री सैलरी आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1,31,400 रुपये की एंट्री सैलरी है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहां पर 57,700 रुपये की एंट्री सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है www.dibru.ac.in और इसी वेबसाइट पर आपको इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करने को मिल जाएगा। जिन कैंडिडेट को इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं मिल रहा है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को देखने को मिल जाएंगे। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन हम चैनल पर आप लोगों के लिए लाने का प्रयास करते रहते हैं। हम रोज़ाना तकरीबन 4 से 5 यूनिवर्सिटी की तरफ से जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आता है, चाहे वो सिंगल पोस्ट के लिए ही क्यों ना आए, उसका इन्फॉर्मेशन हम चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास करते रहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।